हेलो माइंड कप लवर्स, वेलकम यू अनदर वीडियो ऑफ सेप्टिक एजेस। तो दिस वीडियो शाउट आउट गोज टू एंग्री आर्क। और इस बंदे के कमेंट मेरे दिल छू गया, या आई एम टू अंडर एडेड। और शाउट आउट हमेशा कमेंट बेस होगा, सो नहीं सकता। और बाहर बारिश हो रहा है, तो जिसकी वजह से लैग और भी ज़्यादा होगा। और ये वाले टेबल में हम लोग ड्रैगन के लिए ट्रीट बना सकते हैं, या डायनासोर के लिए ट्रीट बना सकते हैं। तो ये भेज वाला ट्रीट मैं बनाने वाला हूँ। आई थिंक इससे जो पीसफुल डायनासोर है वो लोग टेम हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने सारे चीज़ें कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें मुझे मिल चुका है, तो एक बार बना के देखते हैं किधर गया। ये रहा, ये वाले क्राफ्टिंग टेबल में हम लोग बना सकते हैं डायनासोर के लिए ट्रीट। ये नॉन वेज वाला है। ओके, तो मुझे व्हीट चाहिए, मिल गया। बैरिस भी मिल गया, बीट भी ले लिया, और गोल्ड भी चाहिए, ठीक है। तो पहले नेकेट बना लेते हैं। ये भी बन चुका है, अब गोल्डन कैरेट ये भी हो चुका है। चलो आई थिंक अब मैं बना सकता हूँ, या तो ठीक है। और जो पीसफुल वाले के साथ साथ जो मीट वाले ट्रीट है वो भी मैं बनाऊँगा। पहले ये वाला बना लेता हूँ, इससे सारे डायनासोर टेम हो जाएंगे पीसफुल वाले। और ये एक्वेरियम वाले के लिए, ठीक है। तो और ये थोड़ा अलग है, टेस्ट करके देखूँगा। सारी चीज़ें बना के हम लोग टेस्ट करेंगे, बिना टेस्टिंग के हम लोग कुछ नहीं जान पाएंगे। और अपने को बकेट चाहिए, 12 चाहिए, 15 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, तो आ चुका है अपने पास 12 बकेट, 9, 10, 11, 12 बन गया है। अब इन्हें पानी भरना पड़ेगा, या क्योंकि हम लोग ये जो ट्रीट बनाए हैं ये बिल्कुल रॉ है, इसे हम लोग पानी से और आग से पकाने वाले हैं। ये वाले पौधे बहुत काम की है, क्योंकि ये जॉम्बी के ऊपर अटैक करते हैं। और हम लोग इसे स्पॉन कर सकते हैं, बस जो ट्रेडर है ना, जो वाले ट्रेडर अपने को फ्लावर्स देते हैं उसे हिट करना होगा, तो वही ये वाले पौधे स्पॉन हो जाएंगे। या हम लोग उसे ट्रेडिंग से भी दूसरे वाले पौधे ले सकते हैं, या तो उसके लिए भी हम लोग स्टेज पे आ चुके, मतलब उस वाले एज में आ जाएंगे। पहले इन डायनासोर को टेम कर ले। और सेप्टिक एजेस के जो मैंने डाउनलोड वीडियोस दिया है, तो उसके साथ साथ दो और मॉड ऐड होने वाला है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, वीडियो देखते रहो। ओके, तो ये बन गया अपना स्पेशल पुट। और ये दूसरे वाले डायनासोर्स के लिए, और ये एक था फ्लाइंग, ठीक है। फ्लाइंग डायनासोर की ट्रीट भी मैंने बना लिया है, देखेंगे अगर कोई बेबी फ्लाइंग डायनासोर मिला अपने को। तो चलो चलते हैं डायनासोर टेम करने के लिए, आई होप इससे काम बन जाएगा। तो इसके लिए अपने को पहले बेबी डायनासोर ढूंढना है, और गलती से भी इसे बड़े डायनासोर के ऊपर ट्राई मत करना। और मैंने भेज वाले टीरी लिया है, तो उससे चेक कर लेते ये बनेगा कि नहीं, ये मीन ये टेम नहीं होगा कि नहीं। और ये बहुत तेज़ भाग रहा है, या अगर सही में बता रहा हूँ, अगर ये डायनासोर टेम हो गया ना, या देखेंगे बाद में क्या होगा। और मैं कोशिश करूँगा ये ओके या इन चीज़ों को कम बोलने की। फाइनली ये टेम हो गया। अरे यार, ये कूद रहा था, मतलब जब भी मैं ट्रीट को हाथ में लूँगा ये कूदेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और आप इसके एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करना। और आई थिंक ये जो पीछे वाला जो बड़ा वाला डायनासोर है, ये जब बड़ा हो जाएगा तो उसके जैसे ही सुंदर लगेगा देखने के लिए। वाह, इसकी सेटिंग एनिमेशन भी है, वाह सही है, कसरत कर रहा है। चलो, और ये फिलहाल के लिए मुझे फॉलो तो ज़रूर करेगा, बट अगर कोई मुझे अटैक करेगा तो ये उसके साथ फाइट बैक नहीं करने वाला, क्योंकि इनकी जो मूड्स है वो हम लोग अलग से एक सीडी के थ्रू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसे मैं बाहर बिठाने वाला हूँ, या क्योंकि इन लोगों के लिए मुझे एक अलग सा जुरासिक पार्क बनाना होगा, और मैं नहीं चाहता ये अंदर बड़ा हो जाने के बाद सफोकेटेड हो जाए। ये बच्चे छोटे में बहुत क्यूट लगते हैं, जब बड़े हो जाते थोड़े भद्दे हो जाते। ओके, तो आप कोशिश करते हैं दूसरे वाले डायनासोर को भी हम लोग टेम कर सके या नहीं। जब मैं इसके साथ खेल रहा था तो मैंने बाहर एक डायनासोर देखा है, तो लेट्स चेक।
ये तो बाहर है, और आसपास के जितने भी डायनासोर है उन्हें मारना पड़ेगा। या देखो एन्चेंटेड साबल लेके खड़ा है, बैठा है बोल रहा था। तो अब थोड़े और ऊपर चल के देखते हैं, यहाँ पर ही मैंने देखा था एक, किधर गया। इन लोगों की भी एक परेशानी है, काश ये पूछ हिलने वाली एनिमेशन नहीं रहता। ओके मिल गया अपने को, चलो इसे खिलाने की कोशिश करते हैं। इसे ही खिलाना है, बड़े वाले को नहीं। अरे यार यही खाया या बड़ा वाला खा लिया पता अभी नहीं चल रहा है। ओके टेम हो चुका है, वाव। अब अपने पास दूसरे टाइप के डायनासोर भी आ चुका है, और हाँ इसका नाम गलती से भी साजिश मत करना, या अपने को एक ही चाहिए। इसके नाम मैं अगले एपिसोड में सजेस्ट करने के लिए बोलूँगा। इस एपिसोड के लिए वही अपना पहले वाला डायनासोर की नाम ही देना। और हम लोग बहुत जल्दी अपना एक जुरासिक पार्क भी बनाने वाले हैं, उसके लिए मुझे बहुत सारे आयरन चाहिए, अभी के लिए तो वो इम्पॉसिबल है। वाह ये बड़ा हो चुका है, ये उतना शाइनिंग वाला नहीं है, आई थिंक ये मेल डायनासोर है इसलिए ये थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है। वाह हम लोग इस पर चढ़ भी सकते हैं, और हाँ इसमें सैडल भी लगाया जा सकता है, ये पूछ पे नहीं दिमाग पे। हाँ तो एक बार चेक करता हूँ सैडल के लिए क्या चाहिए। अरे यार यहाँ पे तो बहुत सारे सैडल है, मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि मैं बहुत सारे जितने हैं उतने सारे सैडल ही बनाऊँगा, तो इससे मुझे थोड़ा तो आइडिया मिल जाएगा कौन से डायनासोर के लिए कौन सा सैडल चाहिए। तो पहले जो नॉर्मल इजी होगा तो वो वाले हम लोग बना लेंगे, बिग डायनासोर स्किन ये बना लेते हैं पहले। और क्या चाहिए अपने को, ओके तो अपने को ये वाला तो नहीं बना सकता, स्किन और ज़्यादा बनाना पड़ेगा। हाँ स्किन बन चुका है, ओके अब बस चेस्ट की कमी है, ये भी बना लेता हूँ, चेस्ट चाहिए। बन गया, तो एक ये वाला सैडल बिल्कुल उसी के जैसे दिख रहा है ये वाला सैडल, तो इससे एक बार टेस्ट करके देखेंगे। अगर सैडल डी कम ऑन यार, हिट नहीं करना था इसे, मैं इस पर बैठ के भी इसे हिट कर सकता हूँ यार, ये तो बहुत गंदी बात है। कोशिश करके देखते हैं ये सैडल इसे पहना सकते कि नहीं, यार नहीं पहना सकते इसे, ये बहुत बुरी बात है। मुझे लगा कि मैं इसे पहनाऊंगा, इसे थोड़ा सा इधर उधर घूम के आएंगे। ओके टर्की मिल गया, या मैं जो दो न्यू मोड के बारे में बात कर रहा था तो इनमें से पहली मोड के बारे में देख लो, ये है टर्की, या तो ये न्यू मॉब अपने माइनक्राफ्ट में आ चुका है, और ये भद्दा ज़ॉम्बी। ओके फिर कौन मर रहा है, इन लोगों से मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका लिए मैं एक और सैडल बनाया है, इसे भी नहीं लगा सकता, सैडल डी। आई थिंक दूसरा सैडल बना के देखते हैं, या कुछ सैडल में कुछ अलग टाइप की लेदर मांग रहा है, और जो कि मेरे पास इस टाइम नहीं है, मैं कोशिश करूँगा उस टाइप की लेदर बनाने की, लेट्स सी क्या होता है। और भी ड्रैगन मैं टेम कर सकता हूँ, और ये वाले फ्लावर्स की काम भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ओके ये भी बड़ा हो चुका है, एक और टर्की, कम ऑन ये पीसफुल है तो इनसे कोई खतरा नहीं है, कम ऑन ठीक है। ये दो सैडल इसके ऊपर भी ट्राई करके देखता हूँ। ओके पहला वाला नहीं हुआ, दूसरा वाला टेस्ट करने देता है। ओके रुक गया, सही है, यह दूसरे वाले भी इसमें नहीं लग रहा, आई थिंक मुझे और भी बनाना होगा। ओके तो ये है टर्की की, टर्की जो यहाँ की बॉस होने वाले, इसे मार के मैं सेकेंड सीरीज में सेकेंड एज में जा सकता हूँ। तो इसकी एक स्पॉनिक है, तो इससे हम लोग बो बना सकते हैं, स्पॉनिक तो आपको पहले ही दिखा दिया है मैंने, और यहाँ से भाला बन सकता है, और ये है इसकी स्पॉनिक की रेसिपी, बहुत हार्ड है। क्यों बताऊँ, जो इसकी जो मीट मिलेगा उसे एन्चेंट करना पड़ेगा, और इस मीट को हम लोग जस्ट किधर गया, इसकी मीट
ये वाला नहीं है, यहाँ पे तो आइस है, मुझे आइस की भी ज़रूरत है। ओके तो ये वाला मीट, तो इसके लिए अपने को 9 चैपल चाहिए। या तो मैं सोच रहा हूँ जो सेकंड मोड में एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूँ वो होगा 9 चैपल की रेसिपी। हाँ, और बाय द वे 9 माइनक्राफ्ट की मेन क्रिएटर का नाम है। या तो वी ऑलवेज कॉल इट 9 चैपल, नॉट एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। और बो को मैं अगले एपिसोड में इसकी बो और भाला बनाऊंगा, उन्हें टेस्ट करूंगा। और ये देखो भाई डायनासोर, फद्दी से डायनासोर, यार इन्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ तो मर भी गया एक। कोई ज़रूरत नहीं, अपना लक उतना अच्छा नहीं है, इस दूसरे वाले को मारने के चक्कर में मैं खुद मर जाऊँगा। और इधर रात भी हो चुका है तो फिर से ज़ॉम्बी से बच बच के जाना पड़ेगा। और यहाँ से मैं थोड़े कबल स्टोन ले लेता हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा कबल स्टोन की सबसे अच्छी यूज़ क्या है यहाँ पर। पहले घर चला जाता हूँ, कमान वहाँ पर स्केलेटन दिख रहा है मुझे। यार इनसे बच के रहना। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो लेट्स सी द रेसिपी। तो ये एक टाइप की हथियार है, तो अगर इसे यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसे बनाने में भी इजी है और हम लोग इसे किसी को भी मार सकते हैं। ओके तो वो भी बनाएंगे अगले एपिसोड में। और यहाँ पे गोल्ड, ठीक है ये वाला नहीं, ये आ गया 9 चैपल, तो इससे हम लोग यहाँ पे क्राफ्ट कर सकते हैं। और मैंने बस 9 चैपल की क्राफ्टिंग वाली रेसिपी अप्लाई किया है, बाकी के नहीं। तो आप लोगों को इन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इस वीडियो को देखने के बाद डाउनलोड ज़रूर करें, कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और डायनासोर आ चुका है, और डायनासोर मारने की सबसे बेस्ट टेक्निक ऐसे करके 2 ब्लॉक नीचे जाओ और आप मारो। ये तभी मार सकता है जब आप इनके लेग के टच में आएंगे, तो लेग के नीचे से अगर मारोगे तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके मर भी गया, लेट्स सी, इतनी जल्दी नहीं मरता, मैंने कट कर दिया इसलिए लग रहा है। कुछ ड्रॉप नहीं किया यार, फकीर था क्या ये, गरीब था ये। और कितनी कूल लग रहा है अपना ड्रैगन डायनासोर। ओके ड्रॉप किया है, मैं ले नहीं पा रहा, तो खाली करके आता हूँ। ओके तो एक और बार ट्रीट बनाते हैं। ओके नगेट आ गया, गोल्डन कैरेट भी हो गया, गुड। तो आई थिंक आप मैं बना सकता हूँ यहाँ पर, अपने को जो चाहिए वो है आयरन, और यहाँ से अपने लोग बकेट बना लेते हैं, 4 ही बनाऊँगा, ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि अब हम ट्रीट 4 ही बना सकते हैं। कहाँ गया ये वाला क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ से हम लोग ट्रीट बना सकते, 4 आ गया। तो अब यहाँ पे मुझे बकेट को भरना होगा, बकेट भी भर चुका है, तो चलो चलते हैं घर पे। और ये वाला जो क्राफ्टिंग टेबल है, हाँ यही, तो इनसे हम लोग स्पेशल फूड बना सकते हैं। ये मैं बार बार बोला था कि कोई मिस हो गया तो बना सकते हैं, देख लेते हैं, देख लेना दोबारा। और इधर रात हो चुका है तो थोड़े संभाल के खेलना होगा, और थोड़ा सा संभाल के भी केयरफुल, मुझे स्पाइडर भी दिख गया। मैंने यहाँ पे ट्रैप बनाया, अब यार ओके ठीक है, स्पाइडर नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं आ पा सके। एक टाइम हो चुका है, अपने को कोई टाइम पास नहीं करना, अपन यहाँ से भागेंगे। और मैं आई थिंक ये रास्ता स्पाइडर के लिए बना दिया, लो अच यार। ये भागो 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 यार स्पाइडर, मैं फाइट बैक नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने चाहता गलती से भी अपने डायनासोर को हिट लग जाए, क्योंकि ये अभी मुझे फॉलो कर रहा है। और ये नाचना स्टार्ट कर दे, क्योंकि हाथ खाना हटाओ हाथ से, एक बार एक मिनट यार, अपने डायनासोर को नहीं लगना चाहिए, अगर गलती से भी लगा ना तो मैं इन सब की खानदान ख़त्म कर दूंगा, बोल रहा हूँ। थोड़ा सा अपना हेल्थ फुल होने दे, और लॉल क्या हेल्थ फुल होने गया, हेल्थ फिर से डाउन हो गया। और इसका तो मौज ही है, अगर कोई से अटैक करेगा तो ये इनविजिबल हो जाएंगे, आई मीन जो ट्रेडर है उनकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी एक आ चुका है, इनकी भी परेशानी, लो 2 हिट पे मर जाएंगे और फिर भी मेरे साथ पंगा लेंगे। और अपना डायनासोर आई थिंक थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, नॉट बैड। तो मैं पहले घर पे जाके सो लेता हूँ। और ये वाला जो डायनासोर है ये सबसे बड़ा वाला डायनासोर बनने वाला है, तो आई थिंक इसे हम लोग राइड कर सकेंगे। तो चलो चलते हैं उस डायनासोर के पास। मैं
यही मेरे पास आ चुका है, नॉट बैड। तो मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए यहाँ पे सफोकेट हो गया। अगर ये मेरे घर पे बड़ा हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलो बाहर ले चलते हैं इसे। कमॉन 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 कमॉन, टेलीपोर्ट हो जाना प्लीज़, टेलीपोर्ट हो जाना। और यहाँ पे एक सरदर्द यार, ये एक मिनट, इसकी मुंडी को क्या हुआ? वाव, बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो होना चाहिए। ये ज़ॉम्बी थोड़ा ख़तरनाक दिख तो रहा है, बट अपने रेगुलर ज़ॉम्बी इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आजा 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 आजा, कम ऑन, टेलीपोर्ट हो जा। ओके, नहीं हुआ। आई थिंक मुझे वो वाले गेट खोलना पड़ेगा और इसे यहाँ पर लाना पड़ेगा। कम ऑन, कौन आ जा। वाह, क्या ही बोलूँ, ज़ॉम्बी को क्या बेवकूफ़ बोलूँ, अपने डायनासोर उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। और यहाँ पे टेलीपोर्ट होने का नाम भी नहीं ले रहा, मतलब ये डायनासोर मुझे, अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, सबोकेटेड नहीं होना, सबोकेटेड नहीं होना। कमन 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 कमन, जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके ओके, जान में जाना है इसके, यहाँ बाहर भी ये नहीं निकल पाएगा और मैं नहीं, अंदर भी नहीं जा सकता। अंदर ज़ॉम्बियों की पूरी बारात लगाया पड़ा है। अरे इधर आजा गवार, यहाँ पे मैं रास्ता बनाया है, इधर आजा। हाँ जा 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 जा, कमॉन 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 कमॉन, मैं ये रास्ता भी क्लियर कर देता हूँ। मुझे ये वाले जगह ढाकना था, आई मीन कवर करना चाहिए था। और देखो, मतलब इसकी भी एक अलग से मौज है। ऊपर आजा तू, ऊपर आजा। कमॉन 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 कमॉन, टेलीपोर्ट 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 टेलीपोर्ट, कमॉन टिपी कर, कमॉन टिपी 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 टिपी, यार मैं ये क्या बोल रहा हूँ, कमॉन टेलीपोर्ट। ओके टेलीपोर्ट हो गए यार, इसका क्या प्रॉब्लम है। ओके इसे काउच करना, इसे सीट करना है, सीट करवाना है, सीट करवाना है। कमॉन बैठ जा बैठ जा, अरे मेरी माँ बैठ जा यहाँ पे। यार इसे तो डैमेज अच्छा खासा मिला है और बैठने के नाम भी नहीं ले रहा। ओके मेरी कमी थी, मैं भी इसे डैमेज दे रहा हूँ। कमॉन कमॉन, यहाँ पे तो फंस जाएंगे। यार आई थिंक मैं थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ। चलो ये क्या मेरे साथ पकड़म पकड़ी खेल रहा है, मतलब इतनी देर यहाँ पे खड़ा था, जैसे मैं नीचे गया, देखो मैं अभी नीचे गया, अभी ऊपर जाएगा। लो अब फिर से नीचे आ रहा है। लो मैं इसके पास गया, फिर से ये दूर भाग गया। इसका भी एक अलग पंडा है यार, एक बार बस एक बार मुझे इसके ऊपर टैप करना है ठीक से, टैप भी नहीं कर पा रहा। ओके बैठ गया, मतलब इतना थका दिया है इसने मुझे। यार थोड़ा तो रहम कर, बहुत थका दिया इसने मुझे। लगभग मैं अपनी फोन की स्क्रीन तोड़ने ही वाला था इसके चक्कर में, बैठने का नाम ही नहीं ले रहा था। और ये सबसे बड़ा डायनासोर हो बनने वाला है या, तो इसके बड़े होने के इंतज़ार करना है। और जो बाकी के दो सैडल है, मैं इसके ऊपर भी ट्राई करके देखूंगा, अगर हो गया तो सही है। अपने को यहाँ पे वाइंडिंग टेटर मिल गया तो लीज की कमी नहीं होगा, तो मैं और भी दो सैडल बना पाऊँगा अगर ये लीज दिया देगा तो सही। देना तो चाहिए इसे लीज। तो एक बार मैं घर होके आता हूँ और वो दो सैडल लाता हूँ, तब वो देखता हूँ। ओके तो ये बड़ा भी हो गया, वाव। यार इंट्रो तो ख़त्म होने देते। ओके तो सही है, ये बड़ा हो चुका है। ओके तो ये वाला जो ये ट्रेडर है, ये मुझे एक बांसुरी दे रहा है 6-5 एमरल के बदले। तो मैं ये वाला ट्रेड सही लग रहा है, तो मैं एक खरीदूँगा। और उसके लिए दो सैडल लाता हूँ, आई होप दोनों में से एक सैडल हो जाए। और मुझे पता है मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि मैं दो सैडल के 10 सैडल भी ले जाऊं, इस पे स्पीड नहीं होने वाला। लेट्स चेक कहाँ पे रखा था मैंने उसे, यहाँ पर ही रखा है। ठीक है, अपने को दो सैडल मिल चुका है और चाहिए एमरल। एमरल तो मेरे पास है या, क्योंकि मैंने 2-3 बार वेंडिकेटर को मारा था और ये वेंडिकेटर ओक वाले जंगल में ज़्यादा, आई मीन डार्क ओक के जंगल में ज़्यादा स्पॉन हो रहा है। आई डोंट नो वहाँ पे वुडलैंड मेंशन है या नहीं, एक बार चेक करूँगा मैं वो डार्क ओक वाले जंगल को। तो पहले यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये तो काफ़ी बड़ा लग रहा है यहाँ से। तो इस पे तो राइड लेना बनता है।
और कहाँ पे गया है वंडरिंग ट्रेडर, गाय पे, सही है, डाउनट से मर। ठीक है, बांसुरी ले ही लेता हूँ, और क्या किया जा सकता है, और क्या लेने लायक है, नहीं सब कचरा है, बजा नहीं पा रहा है इसे, आई थिंक इसे डायनासोर के सामने ले जाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, बाद में देखूँगा। तो अपने को जो चाहिए दूसरी मेन चीज़ वो है लीज, या तो इसकी मदद से हम लोग बाकी के दो सैडल और भी बना सकते हैं, और मुझे वो दोनों सैडल भी चेक करना है इसके ऊपर। कम ऑन, मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे एक और बाबा जी खड़े हैं, और ये क्या है, व्हाट द हैक। मैंने बहुत बार कोशिश किया इसके ऊपर सैडल लगाने का, बट ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो जिसकी वजह से इसे मैं सैडल नहीं लगा पाया। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके लिए एक अच्छा सा नाम भी सजेस्ट कर देना, और आपको जो एक्स्ट्रा दो मॉड है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आड़ा आड़ा सायोनारा।